चौथी चीज जो मैंने कही आपके सामने, खत्म कर लेता हूं जुमा इंशाल्लाह, अखलाक में मजबूत बने। किसमें? किसमें मजबूत बने? मेरी जबान से, मेरे हाथ से, मेरे नफ्स से, मेरी जात से दुनिया में किसी को तकलीफ ना पहुंचे। कोई नहीं बोल रहा है जी, यह है अखलाक। अपनी दात से, अपनी जबान से, या अपने हाथ से, या अपनी हरकतों से कभी किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। मैं अभी आता हूं, मैं आ रहा हूं। जी हां, वो जनाब सड़क पर खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं, मुंतजिर मुंतजिर मुंतजिर, इंतजार करदन मौत बेहतर है इंतजार करदन। फारसी में कहते हैं मौत इंतजार से बेहतर है। खड़ा खड़ा के मार रहे हैं आप, तकलीफ दे रहे हैं आप उसको। आप तकलीफ, आप मोमिन नहीं है, आपका ईमान मजबूत नहीं है। आपकी जबान से, आपकी हरकतों से, हमारे उस्ताद का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, हर बार करता हूं। अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए, मैं दुआ करता हूं उनके लिए। हमारी आखिरी नसीहत जो उन्होंने की थी हमें, ऐसी जिंदगी गुजारो कोई तुम पे उंगली ना उठाए। सुभान अल्लाह, ऐसी जिंदगी गुजारो कि कोई तुम पे उंगली ना उठाए। अखलाक अच्छे करो, इंशाअल्लाह इसका बदला ये होगा, अल्लाह तबारक व तआला नबी के करीब बिठाएगा इंशाअल्लाह रोजे कियामत। सबसे करीब होगा वो आदमी जिसके अखलाक अच्छे हैं। चौथी बात हो गई, अल्लाह हमें अखलाक में अच्छा। पांचवें नंबर पर उलमा ने लिखा है, बदन का भी ख्याल रखो, अपने बदन को ऐसा ना रखो। अल्लाह ताला हमें इसका भी ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए, सही माने में वो मोमिन बनाए जो अल्लाह को प्यारा है, अल्लाह को महबूब है। सही माने में वो ताकतवर अल्लाह अज्जा वजल हमें बनाए। अल्लाह हमें गुरूर से बचाए, अल्लाह हमें तकब्बुर से बचाए। जो नियमतें अल्लाह ने इस दुनिया में हमें अता फरमाई हैं, अल्लाह उन नियमतों का शुक्रिया अदा करने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए।